आप देख रहे हैं दखल न्यूज। शाहीन बाग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई, कोर्ट ने कहा अनंत काल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री कमलनाथ का मोदी पर कटाक्ष, मोदी जी देश मुंह चलाने से नहीं काम करने से चलता है। बीजेपी का मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार, काम करते नहीं चलाते रहते हैं कमलनाथ। आकाश विजयवर्गीय का फिर विवादित बयान, मामा ने कई एसपी डीएसपी को चाटे मारे। और ग्वालियर मेले में छाया हिमेश रेशमिया का जादू, हिमेश ने किया लोगों को झूमने पर मजबूर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में 58 दिनों से जारी प्रदर्शन के कारण आम जनता को हो रही परेशानी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनंत काल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार को इस मामले में एक हफ्ते में जवाब भी मांगा है। तीन याचिकाओं पर सुनवाई के साथ ही प्रदर्शन के दौरान मासूम की मौत के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर इस पर सुनवाई की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के पूर्व इन याचिकाओं को दायर किया गया था, जिस पर कोर्ट ने चुनाव बाद सुनवाई किए जाने को कहा था। बीते शुक्रवार को शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन की वजह से सड़क बंद होने की समस्या को वे समझते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की डबल बेंच ने कहा था कि हम समझते हैं कि समस्या क्या है, अब हमारे सामने सवाल यह है कि हम इसे कैसे हल करते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनंत काल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार से इस मामले में एक हफ्ते में जवाब भी मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। नोटिस जारी किया 17 तारीख, इसकी नेक्स्ट डेट है, और जिसमें सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। शाहीन बाग के मसले पर जो 58 दिन से लगातार प्रोटेस्ट जारी है, जो पूरी दिल्ली की जनता, यूपी जाने वाले और हरियाणा से लोग, फरीदाबाद से लोग आने वाले जो त्रस्त हैं, और जो जनता वहां पे रहती है वो त्रस्त है, इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है 17 तारीख की डेट के लिए। भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल देने के निर्देश दिए हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, इस गीत ने बरेली को सबकी जुबान पर ला दिया था। अब बरेली को आखिर झुमका मिल गया है। बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर पारसा खेड़ा चौराहे पर 20 फीट ऊंचा झुमका लगाया गया है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, यह शब्द सुनते ही कोई भी इन्हें गुनगुनाने लगता है। हो भी क्यों ना, 1966 में आई फिल्म मेरा साया का यह गाना आज भी उतना ही ताजा है जितना इसे लिखते वक्त था। यह गीत मेरा साया में अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया था। दशकों बीत गए लेकिन इस गाने की मस्ती अब भी कायम है। इस गाने के बाद एक तो झुमका और दूसरा बरेली, ये दो ऐसे नाम थे जो हर किसी की जुबां पर थे। गाने के बाद से बरेली के बाजार को नई पहचान मिली और यह दुनिया में मशहूर भी हो गया। इतने मशहूर होने के बाद इसी बरेली शहर को अब एक झुमका भी मिल गया है। जी हाँ, बरेली में एक चौराहे का नाम झुमका तिराहा रखा गया है और यहाँ एक विशाल काय झुमका लगाया गया है। यूपी के बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर पारसा खेड़ा पर 20 फीट ऊंचा झुमका लगाया गया है। पारसा खेड़ा पर इतना बड़ा झुमका इसी गीत से प्रेरित होकर लगाया गया है। इस झुमके का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने किया। यह झुमका ऐसी जगह लगाया गया है जहां इसे दिल्ली से आने वाला हर शख्स देख सकेगा। इसे लगाने की शुरुआत झुमका गिरा रे गाने की 50वीं सालगिरह पूरी होने पर की गई थी। बरेली विकास प्राधिकरण ने इसे अभिनेत्री साधना को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया है। बरेली वैसे भी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है और उसके बाद अब यहाँ झुमका तिराहा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाएगा।
बरेली वासियों को और खास तौर से प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद, एक अच्छा प्रयास किया है। और वास्तव में एक बरेली की पहचान बीते लंबे वर्षों से जिस बात को लेकर पूरे देश में चल रही थी, उसको एक मूर्त रूप देने का काम किया है। इसके आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे लगता है ये ऐसी प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलती रहेगी और बरेली की पहचान और अच्छे स्तर से आगे बढ़ती रहेगी। जगह पर है जहाँ से जो दिल्ली से आने जाने वाले लोग हैं उन्हें बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई देगा, तो निश्चित रूप से एक बरेली की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम लोगों ने एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। इसमें निश्चित रूप से बरेली विकास प्राधिकरण में जो अभी वर्तमान VC हैं दिव्या मित्तल जी का बहुत बड़ा योगदान है, और ये डॉक्टर केशव जो रोहिलखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं उन्होंने मेरे अनुरोध पर एग्री किया कि उसको जन सहयोग से बनाएंगे, तो बहुत दिनों से लंबित प्रोजेक्ट को एक दिशा मिली और आज मूर्त रूप में सबके सामने। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और कहा मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है। सागर में देश के मौजूदा हालातों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संत रविदास जयंती पर आयोजित जागृति सम्मेलन में कहा मोदी जी देश मुंह चलाने से नहीं काम करने से चलता है, किसानों और युवाओं की चिंता नहीं है, देश की जनता को गुमराह करने CA जैसा कानून लागू कर दिया है, देश में इस कानून की अभी क्या जरूरत थी। पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित सभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच पर साधु संतों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने सागर जिले के 3,000 करोड़ रुपए की लागत के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। CA कानून लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा देश में इस कानून को लागू करने की अभी क्या जरूरत थी, क्या देश में पाकिस्तान युद्ध करने वाला था या शरणार्थी आ रहे थे। रात 12 बजे प्रधानमंत्री ने संसद में यह कानून पारित कराया। मोदी बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी जी देश मुंह चलाने से नहीं काम करने से चलता है। मुंह चलाने में और देश चलाने में बहुत अंतर होता है, और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, कि आपने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए, हमारे 15 महीने भी नहीं हुए हैं, आप हमें बल और शक्ति दीजिए, हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा के नेता हमसे 15 माह का हिसाब मांगने लगे, हम 5 साल में विकास की क्रांति लाएंगे, विकास का नया इतिहास बनाएंगे। मुख्यमंत्री नाथ ने कहा मैं अपनी सरकार का हर साल रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करूंगा। उन्होंने कहा प्रदेश के किसानों की 100% कर्ज माफी होगी, प्रदेश में औद्योगिक वातावरण निर्मित किया जा रहा है, इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या चुनौती है, इसका सामना हमारी सरकार डटकर करेगी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, कुटीर उद्योग मंत्री हर्ष यादव, सामाजिक एवं न्याय मंत्री लखन घनघोरिया, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित जिले के नेता व बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। MP के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को कोस रहे हैं, प्रदेश सरकार ने अपना कोई भी वचन नहीं निभाया है, केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण 370 CA जैसे कई वादे पूरे किए हैं। कमलनाथ सरकार पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने वचन निभाने के बजाय केंद्र को कोस रहे हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। भार्गव ने कमलनाथ को सलाह देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश को देखो, वो ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे घोषणा पत्र में किए थे वे उन्होंने सिर्फ 6 माह में ही पूरे कर दिए हैं। 3 तलाक, अयोध्या स्थित राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 हटाना, नागरिकता संशोधन बिल, हर गरीब को मकान, हर घर में गैस, किसानों को सम्मान निधि के साथ ही और भी न जाने कितने वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं, लेकिन प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब तक अपना एक भी वचन पूरा नहीं कर पाई है। मैं मान के चलता हूं कि किसी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार से कोसना ठीक बात नहीं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुंह चलाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास देकर 2.5 लाख रुपये शहर में, 1.5 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, ये देकर उज्ज्वला गैस रसोई गैस को देकर, किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया देकर, ऐसी दर्जनों योजनाओं को क्रियान्वित करके सब मुँह चलाए, धारा 370 को हटाने का काम करके,
जो राम मंदिर का निर्माण होना था उसको निर्माण के रास्ता पूरा बना करके रास्ता उसका खोल करके और इसके अलावा 35 से हटा के और जो विदेशों में भारत के नागरिक प्रताड़ित होते हैं उनको देश में शरण देने का काम करके प्रधानमंत्री ने ऐसे काम किए हैं जो दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी से, वास्तव में मुँह चलाने का काम तो आपने किया है। आपने कहा था किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे 2 लाख रुपए के, कर्ज माफ नहीं हुए। आपने कहा था 4000 रुपया बेकारी भत्ता देंगे, एक व्यक्ति को भी नहीं मिला। ऐसी दर्जनों घोषणाएँ आप रोज करते हैं लेकिन मध्य प्रदेश अब पूरी तरह से एक प्रकार से जो शांति का टापू था करते अब अनुसूचित वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार का प्रथम स्थान प्राप्त करके अब वह अनुसूचित वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने का सबसे बड़ा राज्य बन गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ ठीक कहते हैं, वो प्रदेश में मुंह चलाते हैं और कुछ नहीं करते। सीएम कमलनाथ के मुंह चलाने वाले बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ ठीक कहते हैं, वो प्रदेश में मुंह चलाते हैं और कुछ नहीं करते। उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, कर्ज माफी नहीं किया, उसे मुंह चलाना कहते हैं। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश लूट लिया है, कर्मचारियों का भत्ता राज्य सरकार नहीं बढ़ाएगी, इनके पास आईफा करवाने के लिए पैसे हैं, कर्मचारियों के लिए नहीं है। ये बढ़ा भी नहीं पाएंगे क्योंकि आईफा अवार्ड पे पैसा खर्च करना इनकी प्राथमिकता है, कर्मचारी इनकी प्राथमिकता पे कभी रहे नहीं है। केंद्र का तो फिर आने वाला है, ये फिर भी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि गरीब इनकी प्राथमिकता पे रहा ही नहीं है कभी, आईफा अवार्ड इनकी प्राथमिकता रहा है, हीरो हीरोइन की प्राथमिकता पे रही है। कारपोरेट कल्चर से सरकार चल रही है तो ऐसी ही चलेगी। यूपीए सरकार में इकोनॉमिस्ट रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए और कहा, मोंटेक सिंह ने यूपीए सरकार के समय देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया था, अब मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डुबाने के लिए सरकार उन्हें निमंत्रण दे रही है। वो ही मोंटेक सिंह अहलूवालिया है जिनने केंद्र की सरकार में सलाह दे के पूरे सिस्टम को बिठा दिया था। पूरी सरकार जब मनमोहन सिंह जी थे तब देश की अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई तो अभी तक पटरी पे नहीं आई है, यहाँ तो पहले से ही चौपट कर रखी है। किसान, नौजवान, कर्मचारी तीनों परेशान हैं, ये आके और बेड़ा गर्क कर देंगे। इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय एक धार्मिक आयोजन में पहुंचे और भाषण के दौरान आयोजक मनीष मामा के बारे में कह दिया कि मामा दबंग नेता रहे हैं, उन्होंने कई एसपी डीएसपी को चाटे मारे हैं। विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति ली है। विजयवर्गीय छावनी में हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, मंच पर उनके पीछे भाजपा नेता मनीष मामा भी खड़े थे। आकाश विजयवर्गीय ने इसी दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में मनीष मामा उन्हें हंसते हुए राज नहीं खोलने का आग्रह भी करते नजर आए हैं। ऐसा लगता है इंदौर 3 नंबर विधानसभा के विधायक आकाश विजयवर्गीय अब चीजों का मजा लेना सीख गए हैं। एक धार्मिक आयोजन में उन्होंने भाषण के दौरान आयोजक मनीष मामा के बारे में कह दिया कि मामा दबंग है और उन्होंने कई एसपी डीएसपी को चांटे मारे हैं। हालांकि इस दौरान मामा उन्हें हंसते हुए राज नहीं खोलने का आग्रह कर रहे थे। अभी तो उसके चाराने भी नहीं है जैसे पहले थे। किस किस को मारा है बताओ इनको जरा। अरे कई एसपी डीएसपी को चांटे भी मार चुके, इतने खतरनाक नेता थे। भाजपा विधायक के बयान पर कांग्रेस के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जिन लोगों पर माफिया अभियान के दौरान कार्रवाई के विरोध का जिक्र किया था उनमें उनके प्रतिनिधि मनीष मामा भी थे। तब उन्होंने कहा था कि मामा भाजपा से जुड़े हैं इसीलिए अफसर उन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में आकाश खुद स्वीकार रहे हैं कि मामा ने कई अफसरों को चांटे मारे हैं। आकाश ने जब निगम के अफसरों को बल्ले से पीटा था तब उन्होंने कहा था कि पहले निवेदन, फिर आवेदन, फिर दनादन, यही हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। यह बयान काफी चर्चित रहा था। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नवगठित 28वें जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही सोमवार को अस्तित्व में आ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मौजूदगी में आज दोपहर इसका औपचारिक शुभारंभ हुआ। शिखा राजपूत तिवारी इस जिले के प्रथम कलेक्टर और परिहार एसपी तैनात किए गए। शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि नए जिले में पसान तहसील भी शामिल होगी। नवगठित जिले में 3 तहसील तथा 3 विकास खंड गौरेला, पेंड्रा और मरवाही शामिल किया गया था। शुभारंभ अवसर पर मंच से पसान तहसील को भी इसमें शामिल करने का ऐलान किया गया। जिले का क्षेत्रफल 1,68,225 हेक्टेयर होगा। जिले में मरवाही विधानसभा के 200 गांव और कोटा विधानसभा के 25 गांव, कोरबा लोकसभा क्षेत्र के 200 गांव और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के 25 गांव शामिल हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान रखता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में पेंड्रा से वर्ष 1900 में पंडित माधवराव सप्रे के संपादन में शुरू हुआ था। खनिज संपदा और औषधीय पौधे यहाँ की पहचान है। यहाँ के विष्णुभोग चावल की महक पूरे देश में फैली है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला दूरस्थ वनांचल में स्थित है। जिला मुख्यालय बिलासपुर से मरवाही तहसील के अंतिम छोर की दूरी लगभग 165 किलोमीटर है। यूल मिला है पसान ल आरआई सर्किल आपके नवा जिला में मिला है कि मैं घोषणा कर रहा था और आप सब ल शुभकामना देते हुए काली पुन्नी नहाए, लाखों आदमी नदी में जाके स्नान करते, उकरो भी आप सब ल बधाई देते हुए, आज तो केवल बधाई दे के मौका है, आप सब ल बहुत बहुत बधाई। मंच में बैठे है तीनों मन ल बधाई, हमार सामने में जो बैठे है वो मन ल बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए। कमलनाथ सरकार में गुंडे बदमाश किस कदर हावी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में जब एक पुलिस वाले ने तेज रफ्तार चला रहे बाइक वाले को धीरे चलाने की नसीहत दी तो बाइक सवार गुंडे ने पुलिस आरक्षक के साथ ही मारपीट कर दी। बदमाशों ने पुलिस आरक्षक की वर्दी भी फाड़ दी। ये बदमाश कोई और नहीं बल्कि नेताओं के संरक्षण प्राप्त छुड़भैये गुंडे हैं। आम जनता की तो छोड़िए, पुलिस आरक्षक अब खुद न्याय के लिए भटक रहा है। जब राज्य की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता को सुरक्षा कैसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में नेताओं से संरक्षण प्राप्त गुंडों ने आम जनता के साथ साथ पुलिस वालों की भी नाक में दम कर रखा है। परासिया थाने के अंतर्गत बायपास रोड पर एक पुलिस आरक्षक ने मोटरसाइकिल वालों को जब स्टंट करने और तेज बाइक चलाने से मना किया तो इन गुंडों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पुलिस आरक्षक की गाड़ी के सामने बाइक लगा दी और फिर मारपीट की। इतना ही नहीं, पुलिस आरक्षक की वर्दी भी फाड़ दी गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे बेखौफ चार गुंडों ने मिलकर पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट की। फिर सुनाते हैं आरक्षक की आप बीती। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार वार में गया था, तो वार होने के बाद जब मैं वापसी आ रहा था, खिरजा डो पंचायत के सामने कुछ लड़के मोटरसाइकिल से लड़कियों के साथ स्टैंड वगैरह कर रहे थे, तो मैंने उनसे रास्ता मांगने की अपील की, तो उन लोगों ने मेरे साथ गाली गलौज किए, गाड़ी आगे अड़ाई, पुलिस वाला हमको ऐसे बोल रहा है, तो मेरे साथ मारपीट करना शुरू किया, तो वहाँ के कुछ लोगों ने बीच बचाव किए जिससे मैं अपना बीच बचाव करते हुए थाना परासिया पहुँचा, जो उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। सर वो कितने लोग थे? वो काफ़ी लोग थे, कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं जिनको मैं शिनाख्त के दौरान पहचान कर लूँगा, और
कुछ दोबारा उनके लड़कों द्वारा मोबाइल से बात करने कुछ लड़कों को और बुलाया गया है जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की और भद्र व्यवहार किया। मेरी वर्दी ड्रेस बिल्कुल फाड़ दी, लुहलुहान कर दिया, काफ़ी चोटें आई हैं। इस घटना के बाद पुलिस आरक्षक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जिसमें से 1 आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 3 फरार बताए जा रहे हैं। राजनेताओं के दबाव को लेकर थाना प्रभारी ने कहा, इसमें नेताओं के दबाव की कोई बात नहीं, जो गलत किया है उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सूत्रों की माने तो कुछ आरोपियों की रसूखदारों ने सिफारिश भी की है। शाम के करीब 5:45 बजे के आसपास जुन्नारदेव की थाना अम्बाड़ा चौकी में पदस्थ हमारा एक जवान है, उसका नाम है नवीन जाट। वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था, खिरसाडो के पास 3-4 लड़के जो बाइक पर स्टंट कर रहे थे, उसने हॉर्न बजाया, साइड देने को कहा और उनको समझाइश दी कि रोड पर इस तरीके से कार्रवाई ना करें, कभी भी दुर्घटना के या तो आप शिकार हो जाएंगे या कोई अन्य हो जाएगा। ये उन 4 लड़कों को बड़ा नागवार गुजरा और हमारे जवान के साथ गाली गलौज करते हुए उन्होंने मारपीट कर दी। जवान हमारे पास थाने आया, तत्काल हमने उसका मेडिकल मुलाजा करवाया, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। 4 आरोपी में से तत्काल हमने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, 3 आरोपी फरार हैं, लेकिन लगातार हम उनका प्रयास कर रहे हैं करने का, विभिन्न धाराओं के तहत हमारे द्वारा मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। कई रसूखदार नेताओं के शरण पाने से इन अपराधियों के भाव बढ़े हैं। सत्ता बदलते ही कुछ लोगों के हौसले बुलंद हो गए जो पुलिस के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। जब पुलिस ही कमलनाथ सरकार में सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित महसूस करेगी। अब पुलिस आरक्षक न्याय की मांग कर रहा है। आरोपियों महफूज, हैदर, अयान, फरदीन, इन 4 आरोपियों में से 1 आरोपी पकड़ा गया है, बाकी 3 की तलाश जारी है। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, आज ये पुलिस और जनता आपके गुंडों के सामने बेसहाय है, लेकिन कल ऐसा ना हो कि जब आपको जनता की जरूरत पड़े तो वो भी आपसे मुंह मोड़ ले, बाकी आपकी मर्जी। जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों ने जवानों को उड़ाने के लिए प्रेशर IED बम लगाया था जिसे बरामद कर लिया गया है। सुकमा में मिनपा के जंगलों से नक्सलियों द्वारा लगाया प्रेशर IED बम जवानों ने बरामद किया है। सर्चिंग पर निकलने वाले जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने प्रेशर IED बम लगाया था जिसे शाम को सर्चिंग पर निकले जवानों ने बरामद कर लिया। CRPF की 150वीं बटालियन के जवानों ने IED को सुरक्षित नष्ट कर दिया। करीब 5 किलो IED बम लगाया गया था जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद कांग्रेसी सिस्टम से नाखुश है। परासिया में युवा कांग्रेस ने अवैध काम के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अवैध कामों को बंद करने की मांग की है। छिंदवाड़ा के परासिया के आदिवासी कोयलांचल में कांग्रेस के युवा नेताओं ने इलाके में चल रहे अवैध कामों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अपनी ही सरकार में कांग्रेस नेता अवैध कामों से इस कदर परेशान हैं कि उन्हें अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे मजबूरन उग्र आंदोलन करेंगे। कोयले के जो अवैध काम, अवैध कार्य हो रहे हैं, शासन प्रशासन को 2-3 बार हमने ज्ञापन के माध्यम से और लेटर के माध्यम से बताया गया हमारे द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये राउनवाड़ा, दीगावानी और ये झुर्रे इधर साइड, ये वाले जो पट्टे में, और इस पर आपको बताऊं, ये इतना ज़्यादा वो हो चुका है ये क्षेत्र कि जान का भी खतरा है लोगों को। यहाँ पे सभी युवाओं के द्वारा थाना परासिया में SDOP के माध्यम से साहब को जो बताया गया है, अगर इसमें 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया जाएगा और बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में युवाओं का
सोर्स यहां पर रोडों पे उतरेगा। संत रविदास जयंती पर सुनील लहरी की टीम ने समा बांध दिया और लोग भजनों का आनंद लेते नजर आए। रीवा के जवा में स्थित राज पैलेस में संत शिरोमणि रविदास की जयंती का आयोजन किया गया था। संत रविदास की प्रतिमा पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। सुनील नेहरी व उनकी टीम द्वारा संत रविदास की आरती और भजनों के माध्यम से संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डाला। बतौर मुख्य अतिथि पधारे डॉक्टर टीपी सिंह ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा जैसी प्रसिद्ध कहावत तो संत शिरोमणि ने समाज के बीच प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास साधक एवं कवि के रूप में विख्यात थे। उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलते हुए सत्संग के माध्यम से सामाजिक समरसता व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के साथ ही जाति वर्ग एवं धर्म के माध्यम की दूरियों को मिटाने का अथक प्रयास किया। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता एवं टूट रहे भाईचारे को रोकने के लिए कार्य करता होगा। हम समाज के हित के लिए और अपने समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है उसके विकास के लिए और जो हमारा मूल निवासी भारतीय मूल निवासी और समाज बहुजन समाज है उसके लिए और जो पाखंडवाद है और जो ये हमारा पिछड़ा हुआ समाज है उसको उत्थान के लिए और संत रविदास संत शिरोमणि रविदास के मतलब उनके बताए हुए रास्ते में चलने के लिए और हमारा विकास हमारे समाज का विकास कैसे हो इसके लिए हमारे सहयोगी समस्त आजाक से और भारतीय मूल निवासी और भीम आर्मी बाम सेब ने सभी संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम मनाए थे संत शिरोमणि भगवान रविदास जी का। 3 दिन हम लोग इसकी तैयारी किए और बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप तो थे ही, सभी लोग थे, करीब 1000 के आसपास लोग थे और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, आगे आने वाले जितने हमारे ऐसे कार्यक्रम हों, जितने महापुरुषों के कार्यक्रम हों, सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें और आप सबका सहयोग सभी कार्यक्रम को गरिमामय बनाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जवा सरपंच दादूलाल साकेत द्वारा संत रविदास की जीवन के बारे में लोगों को बताया गया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही गई। टीकमगढ़ में संत रविदास जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भव्य रैली का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संत रविदास की 643वीं जयंती टीकमगढ़ में जुलूस निकालकर बड़ी धूमधाम से मनाई गई। शहर के विभिन्न मार्गों से हजारों की तादाद में स्त्री पुरुष और बच्चे ढोल नगाड़ और घोड़ा बग्घी के साथ रैली में शामिल हुए। जुलूस का तमाम जगह लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान उनके अनुयायियों ने संत रविदास के पद चिन्हों पर चलकर समाज का सार्वभौमिक विकास कैसे हो इसकी शपथ ली। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। जुलूस के दौरान पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरीके से मुस्तैद रही ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ जुलूस शहर के बाड़ी दरवाजे के पास जाकर पूर्ण हुआ। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। जुलूस में शामिल होने आए लोगों ने बताया कि हम लोगों का उद्देश्य संत रविदास के पद चिन्हों पर चलना है और देश का विकास करना है। देश में भाईचारा अमन बना रहे ऐसी कामना इस शुभ अवसर पर करते हैं। ग्वालियर में माधवराव सिंधिया व्यापार मेला में बॉलीवुड नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर और अभिनेता हिमेश रेशमिया ने अपने गानों से धूम मचा दी। रेशमिया के गाए गानों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ग्वालियर के आयोजित मेले में बॉलीवुड नाइट कार्यक्रम में पहुंचे बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में हिमेश ने बॉलीवुड में गाए अपने गानों को जैसे ही गाया दर्शकों ने हिमेश का तालियों से स्वागत किया। हिमेश रेशमिया ने स्वागत सत्कार की औपचारिकता के बाद बिना किसी भूमिका के सीधे माइक संभाला और एक के बाद एक गानों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भी अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर दिया। हिमेश रेशमिया की एक झलक देखने के लिए दर्शकों की हजारों की भीड़ मौजूद रही। हिमेश ने कार्यक्रम में तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तू जन्नत मेरी, तू ही चाहत है मेरी, दिल की सुर्ख दीवारों पर नाम है तेरा मेरा, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, कहने कहने को साथ
अपने साथ दुनिया चलती है, मैं जहां रहूं तेरी याद साथ रहे, एक हसीना थी एक दीवाना था, सर के जो तेरी चुरनिया जैसे गानों के पंजाबी रिमिक्स गीत भी सुनाए। इस दौरान व्यापार मेला प्राधिकरण अध्यक्ष प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, सचिव मजहर हाशमी, संचालक व सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक नवीन परांडे, संचालक गण शील खत्री, महबूब भाई चेल वाले व सुधीर मंडेलिया, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, पूर्व मेला उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, कलेक्टर अनुराग चौधरी, एसपी नवनीत भसीन, जीडीसीए अध्यक्ष प्रशांत मेहता, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी आनंद मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।